जय हिंद दोस्तों। इतने दिनों से मैं चुप बैठा था, अब चुप नहीं बैठूंगा। एक एक ले का नाम आएगा, मैं सबकी गांड मारूंगा। सबसे पहले लिस्ट पे नाम आएगा वो रांड, वो मेरी लवड़ी, वो मेरी चक्रवर्ती, सबकी मादर छोड़ो। गोवा से ड्रग सप्लाई करती है, गांड में डालती है, चूत में पास करती है, रांड चक्र। जितने भी मेरे भाई बहन या बड़े छोटे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने चलाई। एक बच्चा है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये 12-13 साल का बच्चा होगा, किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है और किससे, ये आपको पता चल गया होगा कि किससे प्रभावित है, किसका फैन है, आप सभी को पता चल गया होगा। देखिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि भाव गलत है, बट उसको देख के जो बच्चे इस तरह के, वो सोचते हैं कि हम भी फेमस हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। उनको पता ही नहीं है बच्चों को कि भाव गालियां नहीं निकालता, भाव जो समाज के लिए काम कर रहा है वो उनको नजर नहीं आता है, उनको सिर्फ नजर आता है गाली निकाली फेमस हो गया। उनको नहीं पता है कि भाव कितने काम कर रहा है, भाव की लाइफ कितने, हर टाइम उनको धमकियां मिलती है, भाव कितना पैसा लोगों के ऊपर खर्च कर रहा है, वो नहीं देखता है धर्म, वो नहीं देखता है जात, वो कुछ नहीं देखता है, वो लोगों की हेल्प कर रहा है, वो जो गद्दार है उनकी टिका के ले भी रहा है, बट सिर्फ उनका एक फेस, अपना मैक्सिमम जो बच्चे हैं खास करके, उनको सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है। देखिए, जितने भी मेरे ये फॉलोवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मैं खुद भी भाव को ये वीडियो स्पेशली भेजूंगा, शायद भाव को बुरी लगे अच्छी लगे मुझे नहीं पता है, बट भाव से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाव देखिए आप जिस तरह के अच्छे काम कर रहे हो वो तो आप दिखाते नहीं हो, बट जिस तरह से आप गद्दारों की लेते हो वैसे ही लेते रहो। बट मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है भाव, अगर आपको लगता है कि ये मेरी रिक्वेस्ट जायज है या ठीक है तो प्लीज इस पे गौर जरूर करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक ये है कि आप सिर्फ एक वीडियो बनाएं, उसमें आप बताएं कि आप करते क्या हैं, सिर्फ गाली नहीं निकालते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या क्या समाज सेवा कर रहे हैं, आप और लोगों के लिए क्या काम करते हैं, और आप एक मैसेज भी दें कि जो ये बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो ऐसी हरकतें ना करें। ये सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है। आई होप कि भाव, देखिए बुरा तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें कुछ मैंने गलत नहीं बोला, बट फिर भी अगर भाव को कुछ गलत लगे तो यार देखो बड़ा भाई है, पहले सॉरी फील करता हूँ, बट यार रिक्वेस्ट है भाव को एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें उससे बोलना चाहिए साफ साफ कि जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम यार उनका, या तो फिर भाव को अपना काम दिखाना चाहिए। देखिए मेरे को पता है कि भाव अगर काम दिखाएंगे तो बहुत सारे फिर से उठ के आ जाएंगे शरीफ लोग, जैसे कि भाव बोलते शरीफ लोग उठ के आ जाएंगे कि आप भाव दिखावा कर रहा है, बट भाव दिखावा नहीं, ये दिखाना लोगों को बहुत जरूरी है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है आप दो काम जरूर करें, एक तो बताएं कि आप क्या काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, हमें पता है कि आप लोगों के लिए कितना काम करते हैं, बट ये जो बच्चे हैं इनको दिखाना भी बहुत जरूरी है, और एक मैसेज जरूर दें कि इस तरह की हरकतें ना करें। बाकी अगर किसी भाई को बहन को बुरा लगा हो तो सॉरी फील करता हूँ, सभी मेरे भाई बहन है जितने भी हिंदुस्तानी है, और भाव तो अपना बड़ा भाई है, उसको बुरा लगेगा तो यार हम तो दिल खोल के माफी मांगने के लिए तैयार है, बट अगर भाव अच्छी लगी वीडियो या आपको ये लगता है कि मैसेज मेरा अच्छा है तो गौर जरूर करना। जय हिंद।